ये जो भाभी साहिबा है ये लॉटरी में निकली थी या बट्टे सट्टे का नतीजा है? बस जवानी में हमें शिकार का शौक था, शिकार करने के लिए कश्मीर चले गए, खुद ही शिकार हो गए। तो किसी अच्छे इलाके में चले जाते शिकार को। देखिए रमजान स्पेशल सीरियल रफ्ता रफ्ता हफ्ता और इतवार रात 8 बजे। इस वक्त अब्बा मियां को डिस्टर्ब करना क्या जरूरी था? मैं उनसे बात करके रहूंगी। हैं? क्या बात है इतनी रात को? खैरियत? जी अब्बा मियां सब खैरियत है, आप फिक्र ना करें, जाना रहा चलो। मुझे बात करनी है अब्बा मियां से। अब्बा मियां मैं जानती हूँ सब बहुत रात होगी, मुझे नहीं आना चाहिए था आपके पास, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं आपका फैसला जानने आई हूँ। मैंने आपसे एक दरखास्त की थी, उसका फैसला आपने सुनाना था, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आपने खामोशी क्यों इख्तियार कर ली है। आप या शमीम मैं जमी के बारे में बात क्यों नहीं करना चाहते? अभी भी मैंने शमीम से मैं जमी के बारे में बात करना चाहिए तो उन्होंने मुझे चुप करा दिया। इसलिए मजबूरन मुझे आपके पास आना पड़ा आपका फैसला जानने के लिए। बमिया मैंने कहा ना आप जाकर आराम करें, ये तो जहनी तौर पर पागल हो चुकी है, जाना ना चलो। पागल हो गई है? सही कहा आपने, माओ से जब उनकी औलादों को दूर कर दिया जाए तो माए पागल ही हो जाती। और इस बात का एहसास अब बमिया आपसे ज्यादा बेहतर और किसे होगा? पपिया मेरी बेटी को मुझसे क्यों दूर कर दिया गया है? ये कैसा इंसाफ है? ये तो सरासर जुल्म है मेरे साथ। आप अपने बेटे को अपने कलेजे से लगा के रखे और मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया जाए? जोड़ती हूँ आपके आगे बोली, खुदा के लिए मेरी बेटी मुझे लौटा दे। और अगर आपने और शमीम ने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं आपको बता रही हूं कि मैं इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी, हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। क्योंकि जिस घर में मेरी ममता और मेरी तकलीफ को ना समझा जाए वहां मेरा रहना गवारा नहीं। दिमाग ठीक है तुम? अरे क्या बोल रही हो? कह लो शमीम मुझे बात करने दो। देखो जा रहा है बेटा, मैं ही क्या पूरा घर तुम्हारे दर्द को समझता है, लेकिन महजबी ने जो कुछ किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। और कितनी सजा देंगे उसे अब्बा मियां? दे तो दी आप लोगों ने उसे सजा, एक अनजान आदमी से निकाह करा के आधी रात को उसे इस घर से रवाना कर दिया बिना उसकी खुशी उसकी मर्जी जाने। उसे तो उसके हक में बोलने का मौका भी नहीं दिया, तो कोई सफाई पेश करने दे। एक मिनट, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तुमने कहा है कि दरगुजर करना और माफ कर देना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, मगर अगर किसी से कोई गलती हो जाए, कोई गुनाह सरजद हो जाए, उसकी सजा भी तो मिलनी चाहिए ना उसे। ताकि उसे ये एहसास हो कि उससे गलती हुई है और महजबीन ने जो गलती की है वो कोई छोटी गलती नहीं है,
उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। उसे यह एहसास होना चाहिए कि वो बड़ों से झूठ न बोले, पूरे घर को धोखा न दे। और खानदान की इज्जत को तार तार करना, इससे बड़ा गुनाह कोई हो सकता है? सुन लिया फैसला, अब तो चलो। क्या आपके फैसले का मतलब यह है कि इसी बच्चे को कभी माफी नहीं मिलेगी और ना मुझे इजाजत मिलेगी उससे मिलने की? मम्मी, आखिर उसने ऐसा भी क्या कर दिया है? किसी का कत्ल तो नहीं किया उसने जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है उसे? ठीक है, जरूर माफ करूंगा उसे, उसको जरूर माफ करूंगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद। जुबीन को संभालने की कोशिश में मैं ये तो रियलाइज ही नहीं कर पाया कि इस पूरे सिनेरियो में मेरी अपनी शख्सियत कितनी डैमेज हुई। मेरे जज्बात को, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को कितनी ठेस पहुंची। लेकिन एक बात तो तय थी, मां छबी से जो पहली नजर में मुझे मोहब्बत हुई थी वो सच्ची थी। जब ही अल्लाह ने मेरी मोहब्बत मेरी छोली में डाल दी, कितना छुटलाया था मैंने खुद को कि ये मोहब्बत नहीं, मगर आज मेरी मोहब्बत मेरे साथ होकर भी मेरी नहीं है। लेकिन मैंने कब ऐसा चाहा था? ये सब तो किस्मत में लिखा था। मैं कब चाहता था कि हाशिम को कुछ हो? मैं तो हाशिम की खुशी में खुश था। अब जब किस्मत ने माजबीन को मेरा बना ही दिया है तो मुझे यकीन है एक दिन माजबीन भी मुझसे मोहब्बत करने लगेगी। जहानारा, ये कैसा तरीका है बमिया से बात करने का? तुम वाकई पागल हो चुकी हो। हाँ, मैं पागल हो चुकी हूँ। जब एक माँ को उसकी औलाद से दूर कर दिया जाएगा तो वो पागल ही होती है। और आपने और आपके घर वालों ने जो मेरे मेरी बेटी के साथ सलूक किया है ना, मैं कभी भूलूंगी नहीं। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी इस बात के लिए। मेरी भूल जैसी बच्ची को आधी रात को इस घर से निकाल दिया गया, जिस घर में उसने अपनी जिंदगी के 22 साल गुजारे। अरे क्या बेटियों को ऐसे रुखसत करते हैं? खुदा के लिए चुप हो जाओ, चुप हो जाओ जानारा, वरना क्या कर लेंगे आप? किस घर से निकाल देंगे, मारेंगे या फिर तलाक दे देंगे? आपको जो करना है करिए शबी, अब मैं किसी बात से नहीं डरती।
सामान तो सारा आ गया है, बस अब एक कुक का इंतजाम करना है। एक दो एजेंसीज के नंबर्स निकाले मैंने इंटरनेट से, फोन करके पता करता हूँ, तब तक कुछ ऑर्डर कर लिया करेंगे। मेरा तो बस ये दिल चाहता है कि मैं खुद को मार डालूं। इतना समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ, फिर वही मायूसी की बात है। दुनिया खत्म नहीं हो जाती, जिंदगी रुक नहीं जाती किसी हादसे से। ये सब अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, इसे सब्र और शुक्र से गुजार ले। आशिफ मुझे छोड़ के चला गया, फिर मेरे घर वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये सारे इम्तिहान मेरे ही हिस्से में क्यों आ रहे? इस इम्तिहान से सिर्फ आप नहीं, आपके सारे घर वाले भी गुजर रहे हैं। हाशिम से भी सबको प्यार था और आपसे भी सबको प्यार है। इतना सब कुछ तो मुझे पता है, फिर आप कैसे अनजाने? प्लीज बी स्ट्रॉन्ग। ओके, हम अभी खुदा के लिए बस भी करें, कम से कम खुद की सेहत का तो सोच लें। इस तरह कब तक रोती रहेंगी? कैसे ना रो, इस उम्र में सदमे पे सदमे पड़े जा रहे हैं मुझ पर। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। ज़ुबैदा बेगम, देखो इन बातों पे रोने का कोई फायदा नहीं है, अब तो ये सोचो कि आगे क्या करना। मैं तो महजबीन का चेहरा भी कभी नहीं देखूंगा, इतना बड़ा धोखा दिया है हमें, हमारे भरोसे को चकनाचूर कर दिया। प्यार से पाल पोस कर उसे बड़ा किया और उसका ये नतीजा निकला। उसने तो हमारी इज्जत को ही रौंद डाला। मैं तो समझी थी कि समझदार लड़की है हमारे घर की, उससे ऐसी बेवकूफी की उम्मीद तो नहीं थी। शमीम, तुम एक काम करो बेटा, मगर इस काम में देर नहीं करनी है। जी अब्बा मियां, हुक्म करें। ऐसा करो कि मानूर को फौरन ब्याह दो। राशिदा भाभी के कारनामे देखने के बाद आपको फिर भी लगता है कि कासिम और मानूर की शादी मुमकिन? अरे भाई, मैं कासिम और मानूर की बात नहीं कर रहा, मैं मानूर और अयान की बात कर रहा हूं। क्या क्या हो गया आपको? ये किस किस्म की बात कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं। जरा सोचो कि अगर मानूर भी मेजबी के नक्शे कदम पे चल पड़ी तो क्या करेंगे? अरे तुम क्या मेरे बेटे से शादी से इनकार करती हो? मैं खुद आज अभी इसी वक्त सारे रिश्ते खत्म करती हूं, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मेरे बेटे की दुल्हन बन सको। और यह भी देखूंगी कि कौन शरीफ खानदान तुम्हें अपनी बहू बनाकर लेकर जाते हैं। याद रखना, तुम भी अपनी खाला की तरह इसी दहलीज पर पड़े पड़े बूढ़ी हो जाओगी।
जरा सोचो कि अगर उस दिन होटल में महनूर और हारिस को लोग देख लेते, या कोई रिश्तेदार या हमारा कोई अजीज वहां मौजूद होता, तो हम क्या मुंह दिखाते लोगों को। पर लोग तो अभी भी पूछेंगे ना कि कहाँ है मैजबीन। अरे तो कह देंगे ना कि हाशिम के सदमे की वजह से सादगी से निकाह करके रुखसती कर दी। क्यों शमीम जी? अब्बा भैया, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं भी राशिदा भाभी को दिखाऊंगा। उसने मेरी बेटी को अछूत करार दिया ना, तो मैं उनके बेटे से अच्छे लड़के को और बड़े घराने में अपनी बेटी का रिश्ता करा के दिखाऊंगा। सही सलाह देने का बहुत शुक्रिया भाभी। पर ये कैसे होगा? तुमने तो इतनी बेइज्जती की थी उसकी, कैसे घर में घुसने देगा वो तुम्हें? अरे बेटे की जिंदगी का सवाल है उसकी, सुना नहीं था क्या कह रहा था वो? जी अम्मा भी, अब्बा मियां बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो वो एक नंबर का घमंडी इंसान, लेकिन अपने बेटे की खुशी की खातिर उसका सारा घमंड और सारा गुरूर और सारी अकड़ इंशाल्लाह धरी की धरी रह जाएगी। अरे शमीम फारूकी साहब, आप वो जो बातें मुझे फोन पे कर रहे थे, अब आप मेरी जोजा मोहतरमा डार्लिंग और मेरे बच्चों के सामने भी करें ना। सस्पेंस जरा खत्म हो जाए। जी वो मैं तुरानी की जरूरत नहीं है अंकल। आपको यहां होना इस बात का सबूत है कि आप लड़ाई खत्म करने आए हैं। जो दिन हमारी गैर जिम्मेदारी और जज्बातीपन की वजह से हुई। अरे रहने तो तुम, आप बोलिए ना, हम आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। देखें उस रात जो कुछ हुआ वो बुरा हुआ, लेकिन अगर मेरी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसे ही रवैया होता, लेकिन फिर भी मैं माजरत खा हूं। माफी तो हमें मांगनी चाहिए, उस दिन हमने गलत कदम उठाया। असल में डैड मुझे मरता देखकर थोड़े जज्बाती हो गए, और मैंने भी नादानी में गलत कदम उठाया। मैंने बहुत कोशिश की आपसे माफी मांगने के लिए, लेकिन कासिम और साबिर अंकल ने मुझे मिलने ही नहीं दिया आपसे। लेकिन आज मौका मिला तो मैं आपसे माफी मांगता हूं, और बाकी सभी तरफ से भी माफी मांगता हूं। चुप है, बात करने दो बड़ों को, बीच में है भी। राजेश सिंह साहब, तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि आपने मेरे बेटे का जो शादी का जो प्रपोजल था वो ठुकरा दिया था। अपनी बेटी क्या नाम है उसका? मानूर। मानूर। अच्छा तो आज आप मानूर की शादी की बात करने आए हैं? देखें बड़ी हिम्मत से मैंने ये कदम लिया है, पहली बार अपने उसूलों के खिलाफ जा रहा हूं। लेकिन उम्मीद लेकर आया हूं कि आपकी रजामंदी लेकर ही जाऊंगा यहां से। डैड मुझे तो कोई चाल लग रही है, वरना जिस तरह अकड़ दिखाकर उन्हें धक्के देकर आपको घर से बाहर निकाला था ना, मैं आज तक नहीं भूला। तुम डैड को क्यों उकसा रहे हो? डार्लिंग अब क्या करना है इनका? एन, तू बता, तू क्या चाहता है? डैड मैंने अगर माँ के बाद किसी का साथ चाहा है ना, वो महनूर का साथ है। अरे बस ठीक है, ठीक हो गए, हम इस रिश्ते पर राजी हैं। लेकिन एक शर्त है मेरी,
कैसी शर्त? भाई देखे, यह बता कि ये जो बच्चा है ना मेरा, ये मेरा कारोबार नहीं संभालेगा, अपने पाँव पे नहीं खड़ा होगा, उस वक्त तक ये शादी नहीं होगी। अगर ये मंजूर कर लेता है तो फिर मैं शादी के लोके कर देता है जी। और वैसे भी मेरा ख्याल है यार उनको बिजनेस संभालने में एक दो साल तो लग ही जाएंगे है जी। एक दो साल? हाँ देखे ना जी, अब ये जितनी जल्दी बिजनेस संभालेगा उतनी जल्दी हम शादी कर देंगे। सही कह रहा हूँ मैं? वैसे शर्त मंजूर है आपको? फिर जी मंजूर है मुझे। अरे बस ठीक है ना, ये जो ही हमारा यार अपने पाँव पे खड़ा होगा हम इसकी शादी करा देंगे। उस वक्त तक आप से दरखास्त है शमीम साहब, और ये बड़ी पक्की दरखास्त है कि ये मंगनी आप किसी और से ना करा देना है, वरना आपको पता ना क्या होगा फिर। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं जल्द इस काबिल हो जाऊंगा। चलो शमीम साहब मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको दामाद मिल गया और मुझे मेरा बेटा जो मेरा बिजनेस संभालेगा। बस जी आज से माशाल्लाह मानूर हमारी अमानत है जी। फिर क्या कहा उस घमंडी ने? लगता है वो भी अपने बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर। पर ये बताओ वहां हुआ क्या? अब ना उसने ठीक तरीके से हाँ कहा और ना ही ना कहा। ओहो साफ साफ बताओ क्या कहा। हाँ बमिया, वो कह रहा था कि अगर उसका बेटा उसके बिजनेस में हाथ पटाता है और अगर वो अपना और अपने होने वाली बीवी का खर्चा उठा पाता है तो निकाह वो फौरन करवा देगी। बात तो ठीक कही है उसने, मगर अभी फिलहाल घर में इसका किसी से तस्करा मत करना। मानूर को तो पता चल ही गया होगा। नहीं मानूर को समझा देंगे हम, उससे कह देंगे जब तक बात पक्की ना हो जाए किसी से इसका तस्करा ना करे, वरना खामखा जगह साई होगी। ये तो है, लेकिन कम से कम ये सुकून तो रहेगा कि मानूर कोई बेवकूफी नहीं करेगी। कभी कभी बागी बच्चों के पैरों में बेड़ियां डालने के लिए उनकी बात माननी पड़ती है। मुझे तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए था कि मानूर का ब्याह कासिम के साथ होता, राष्ट्र को मनाना कौन सी मुश्किल बात थी। माजरा तम्मा भी, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। राशिदा भाभी ने मेरी बेटी के बारे में जो कहा है, मैं उन्हें दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा कि मैं अपनी बेटी की शादी बड़े घराने में करूंगा। आया नहीं तो कोई और सही, लेकिन कासिम मेरा दामाद हरगिज नहीं बनेगा। प्लीज खाना खा लें, ताकि इसके बाद हम बैठ के डिस्कस करेंगे पैराडाइज इवेंट मैनेजमेंट को कब और किस तरह लॉन्च करना है। आपको पता है नाउ यू आर फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट। आप बिल्कुल आजाद है, किसी का डर नहीं है आपको। आप ऑफिस जा सकती हैं, जिस तरह चाहे अपने बिजनेस को संभाल सकती हैं, अपने और हाशिम के ख्वाबों को पूरा करने के लिए, क्योंकि अब आप मिसेस हारिस है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी परमिशन की जरूरत है, जो कि आपके पास मौजूद है। तो भूल ही गई थी कि मुझे हाशिम का ख्वाब भी पूरा करना है। आपको पता है हाशिम ने मुझे बताया था कि आप उसे कहती थी कि इंसान का अगर जिंदगी में कोई मकसद हो तो वो हर आंधी तूफान से लड़ जाता है, जीना चाहता है उस मकसद को पूरा करने के लिए, चाहे हालात जैसे भी हो। हाँ मैंने हाशिम से बोला था, ये वो आपको मेरी हर बात बताता था। हर अच्छी बात। अब प्लीज खाना खाइए, खाना खाएंगी तो आपका दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा तो आप काम कर सकेंगी। हसीम लेकिन कुछ तो पता लगाओ ना कि आखिर मैं जमीन है कहाँ पे। चाची मैं रोज इसी काम में लगा रहता हूँ,
लेकिन हैरत की बात यह है कि महजबीन के साथ साथ हारिस भाई का भी फोन ऑफ है। भाभी ये देखें, ये फोन महजबीन का तो नहीं है? ये उन्हीं का ही तो है, लेकिन ये ऑफ है, शायद इसकी बैटरी डेड है। ये तुम्हें कहां से मिला? वो ऊपर जो लाउंज का सोफा है उसके पीछे आयशा की डॉल गिर गई थी, वो उठाने के लिए मैंने सोफा आगे किया तो वे पे वहीं गिरा हुआ था। इसको चार्ज पे लगा के देखता हूँ, शायद इससे कोई सुराग मिल जाए। हारिस का बैग भी गेस्ट रूम में है, आई थिंक उस दिन जल्दी में वो लोग ले जा ही नहीं सके। आई थिंक यू कैन चेक हिज बैग टू। सही कह रही हो, मैं करता हूँ चेक जाके। या अल्लाह मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चल जाए, मैं शुक्राने के नफल अदा करूंगी। ये तुम बस हर वक्त जाने जाने की रट लगाए रखते हो। अरे भाई अपनों से दूर भी कोई जिंदगी होती है, है? अच्छा भाई सब खैरियत है? अब रो रहे हो? रो रहा हूं? नहीं भाई, मैं क्यों रोऊंगा? मैं तो इस घर का सख्त मजबूत जान हूं, मुझे आंसू कहां आते हैं। भाई अगर रोना है ना तो रो लेना चाहिए। ओ नहीं 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 बेटा, ये रोना धोना मर्दों का काम नहीं है। क्यों अब्बा मियां, मर्द इंसान नहीं होते क्या? उनके दिल में दर्द नहीं होता? उनके अंदर फीलिंग्स नहीं होते? भाई ये दरिया बह जाने दो, कम से कम दिल का बोझ तो हल्का होगा। दिल खोल के रो भाई। जाने के बाद ये आंसू कौन पहुंचेगा? मैं हूं ना भाई। अब्बा मियां जब से मैं यहां आया हूं ना, मैं यही सोच रहा था कि मैं यहां रुकूं या जाऊं, लेकिन आज मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं यहीं रहूंगा। तो कि इस घर को मेरी बहुत जरूरत है और आप लोगों की मेरी बहुत जरूरत है। सच? हाँ भाई सच है। सीन सच ही यार। दिल खुश कर दिया, अब हम साथ रहेंगे इंशाल्लाह। अम्मी, अम्मा भी अपने रूम में। चाची आपको पता है अजीम चाचू वापस अमेरिका नहीं जा रहे, वो यहीं पर रहेंगे हमारे साथ। क्या? मैं अम्मा भी को बताकर आता हूं। अम्मा भी, ये देखें ना, ये हमारे नए ऑफिस की पिक्चर्स, जैसे ही तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह हम इसकी इनॉग्रेशन करेंगे। लेकिन ये ऑफिस बहुत बड़ा नहीं है। नहीं ये बड़ा नहीं है, बस लग रहा है। पता है ये जगह मैंने और हाशिम ने मिलकर ढूंढी थी, और हाशिम ने अपने ऑफिस स्पेस में आपके लिए भी एक जगह बनाई थी। काश आज हाशिम होता तो कितना अच्छा होता। बहुत खुश होता वो,
और घर वाले भी। मैं सोच रहा हूं कि आपके घर जाके अपना सामान उठा लूं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप उस घर में वापस आना चाहते हैं जहां से हमें इतना बेइज्जत करके निकाला गया है? मेरा मतलब है कि बहुत ज्यादा कोई जरूरी चीज है, कोई पासपोर्ट आईडी वगैरह? नहीं नहीं, वो सब तो मेरे ब्रीफकेस में होते हैं और ब्रीफकेस और लैपटॉप हमेशा मेरी गाड़ी में रहते हैं, कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, यू राइट, इट्स नॉट एन इशू। आपसे एक बात पूछूं? जी जी पूछिए। आप तो यहां से जाने वाले थे तो फिर आपने इतना बड़ा घर क्यों लिया? मैंने आपसे कहा था ना कि हर काम में अल्लाह की मुस्तैद होती है, तो अगर ये घर में उस वक्त ना देता तभी आपको किसी होटल में लेकर बैठा होता। वो एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, वो लंदन शिफ्ट हो रहा था, रिमेम्बर इट इंडिया? जी वो तो आपने बताया था और पिक्चर्स भी भेजी थी घर की, लेकिन मैं बस पूछना चाहती थी कि जरूरत क्या थी? जरूरत मुझे नहीं, जरूरत उसे थी। वो एक्चुअली लंदन शिफ्ट हो रहा था और उसे पैसे चाहिए थे वहां पे सेटअप करने के लिए, तो अगर वो इस तरह अपना घर बेचता तो उसे वो रकम नहीं मिलती जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो मैंने उसे हेल्प आउट करने के लिए उसे मुंह मांगी रकम दे दी ताकि उसकी जो भी जरूरत हो वो पूरी हो जाए। तब देखें ना आप, उसकी जरूरत के वक्त मैं उसके मुश्किल वक्त पे काम आया और आज वो मेरे काम आ गया इस घर की सुरत। कहते हैं ना, जो मुश्किल वक्त में आपके काम आया उसकी हमेशा कदर करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या फिर कोई जान चीज। क्या आरा, रोने के बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी बेटी अपने घर की हो गई, वरना जो कुछ उसके साथ माजी में हुआ है और जो कुछ उसने अब किया है उसके बाद उसका घर बसना तो बहुत मुश्किल था। घर बसता था? हम अभी आधी रात को मेरी बेटी का एक गैर मर्द के साथ निकाह करवा दिया, उसे यहां से रवाना कर दिया बिना उसकी मर्जी जाने उससे बात पूछे, आप कहते घर बस गया? किस हाल में होगी मेरी बच्ची? देखो जहारा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम ये क्यों नहीं सोचती हो कि अच्छा भला आदमी है, पढ़ा लिखा है, अच्छी हैसियत वाला है, हमारी बच्ची खुश रहेगी। सब आपकी वजह से हुआ है भाई साहब। तो आप उस गैर मर्द को हमारे घर में लेकर आते बिना इस बात के एहसास किए कि हमारे घर में जवान बच्चियां रहती है, और ना ये सब होता। देखो जहारा, जो होना था वो हो चुका है और अब उसे बदला नहीं जा सकता। बस दुआ करो कि अल्लाह उसे खुश रखे। जी उम्मा भी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, अब तो दुआएं ही उसके काम आएंगी। तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे, तुम तो खुश हो रही होगी कि मेरी बेटी के साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। देखो जहारा, तुम्हारी और मेरी लड़ाई अपनी जगह, लेकिन मैंने हमेशा महजबी को अपनी बेटी समझा, उसकी खुशी में खुश हुई और उसके गम में रोई। वैसे भी मेरी फितरत में शामिल नहीं है किसी को तकलीफ में देखकर खुश होना। देखो ये वक्त नहीं है कि हम आपस में उलझें या एक दूसरे के खिलाफ कोई इल्जाम लगाएं, बल्कि एक एक का वक्त है।
हमें यह देखना है कि हमारी बेटी कहां है, हमें कैसे उस तक पहुंचना है, कैसे उसका पता चलाना है। कासिम कोशिश कर रहा है ना, मगर मेरा मशवरा यह है कि कुछ दिन के लिए मिलने की जिद तुम छोड़ दो, जब तक अब्बा मियां का और शमीम का गुस्सा ठंडा ना हो जाए, फिर बाद में देखेंगे। अम्मा भी बेटी है वो मेरी, उसके बगैर एक एक लम्हा मेरा कैसे गुजर रहा है मैं नहीं बता सकती। जिसे गुस्सा होना है हो जाए, जिसे नाराज होना है हो जाए। लेकिन मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ू। जिसने मुझसे नाराज होना है हो जाए, मैं अपनी बेटी से मिलके रहूंगी। पहले अब्बा मियां भी मुझे इस घर से निकाल दे। जैसे मेरी बच्ची को निकाला, ये शमी मुझे तलाक दे दे। पर मैं पीछे नहीं हटूंगी, मिलके रहूंगी अपनी बेटी से, बस। कैसी बातें कर रही हो जहारा, अल्लाह ना करे। आप लोगों की कोई बेटी नहीं है ना, इसलिए आप लोग मेरा दर्द समझ नहीं रहे। ये दर्द वही समझ सकता है जिसकी बेटी हो। इस वक्त इसकी किसी बात का बुरा ना मानो, सेंसिटिव हुई है। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।